उस्ताद, क्या पाकिस्तान ने फिर कोई एटमी धमाका कर दिया क्या? ये धमाका हमने किया है बच्चू। ये बदबूदार गटर का ढक्कन किसने खोला है? उस्ताद, कहीं ये गटर तो नहीं बंद हो गया? तुमने रात को, अरे जाओ जल्दी जाओ टॉयलेट जाओ, जाओ उठो जाओ, जाओ, अरे जाओ अभी, मेरा दिमाग खराब हो गया। अरे जलाऊं उठ के? ये बदबू ऐसे नहीं जाएगी, उठ के जलाना पड़ेगा। खास बात खराब करती मेरी। जब देखो एक नई मुसीबत खड़ी कर देता है यार। अब उल्टे तो इतने कंजूस हो, एक बटन नहीं लगवा सकते, मरवा दिया मेरे को। उस्ताद आज तो वोल्टेज भी तेज आ रहा था, अरे मरवा दिया मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए, मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए। अबे तेरे 14 तबक रोशन हो गए? तेरे 14 तबक रोशन होने का जिम्मेदार मैं हूँ क्या? और अब इसका बिजली का बिल भी मैं भरूंगा। चल आराम कर, चल आराम कर। अब हर वक्त जब देखो एक नई मुसीबत खड़ी कर देता है। आराम कर तू, अब मैं जाता हूँ, बाकी का काम निकालना मुझे ही पड़ेगा। हैं, अब मैं देखता हूँ बाकी का काम, तू आराम कर बस, जा रहा हूँ मैं। अरे तुम्हारा बाकी का काम मैं सब जानता हूँ, रात की दाल खाई है तुमने। मरवा दिया पूरे जिस्म में बिजली दौड़ गई। चाय पीता हूँ, शायद कुछ जिस्म में चुस्ती आए, उठू नहीं तभी मोटा आके बोलेगा चाय बना। उठ राजा उठ, हिम्मत कर हिम्मत मर्दा, मदद खुदा। मोटे की खिदमत करूं मोटे की। Thank you.
पत्ती भी खत्म, चीनी भी खत्म, दूध कहां से आएगा? दूध आज वो देगा भी नहीं। दूध पूरे 2 महीने के बिल के पैसे हैं उसके। एक तो मुझे उस्ताद की समझ नहीं आती, इतने फ्रॉड करता है, इतने पैसे कमाता है, ये लेकर कहां जाता है? खर्चे के लिए पैसे भी नहीं रखता घर में। पानी क्यों खोल रहा खाम खा? चल अब चल राजा, चल के सो, बना ली। सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, किसका देखना? उस्तादी का देखा। चल यार सो राजा, तू तो खुद ही कहीं से चीनी पत्ती मांग के लाएगा, चाय बनाता रहेगा। मैं क्या करूं, मैं तो सोऊं यार, बस ऐसे दिमाग खराब करता है। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। अबे यार फिर सो गया? एक तो समझ नहीं आता ये इतना सोता क्यों है, जब देखो जब सो रहा है। चाय भी क्या बनाई होगी इसने, चाय भी अब खुद ही बनानी पड़ेगी मुझे। दो पट्टा में मुझे ही बनाना पड़ेगा नाश्ता। क्या किया है इसने? ओहो सिर्फ पानी चढ़ा दिया है इसने, ना चीनी है ना पत्ती है। अरे चूल्हा भी बंद है। एक तो इसको नींद की पड़ी रहती है, नींद की। ठहर जा बच्चू, अभी उठाता हूँ, यही ठंडा पानी डाल के तेरे ऊपर अभी उठाता हूँ। और मुझे बताया भी नहीं, और चाय भी नहीं बनाई। कैसे बनाऊं चाय, ना चीनी है ना पत्ती है ना दूध है, कहां से बनाऊं चाय? अबे पड़ोसी मर गया है क्या, उनसे मांग लेता। मैं नहीं मानता, मांगता रोज का काम बन गया तुम्हारा तो। जाओ वहां से पत्ती ले आओ, चीनी ले आओ, मुझे तो शर्म आती है। मैं नहीं मांगता, मांगता नहीं मांगता ना, तो फिर जा भूखा मर, मैं जा रहा हूँ। वाह भाई खूब रही, ये नहीं कि घर में चीनी पत्ती ले आए, भेज देते हैं मांगने के लिए। ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना, तुम आओ तो सही। अबे तुझसे मेरी कोई खुशी बर्दाश्त नहीं होती, मेरा पसंदीदा गाना बज रहा था, अबे ये क्या कर दिया जालिम तूने? और मेरे पेट का जब बुरा हाल हो रहा है, सुबह 10 बजे से मैं उठा हुआ हूँ और मुझे भूख लग रही है, इसका कौन जिम्मेदार है? अबे मैं भी तो खाली पेट दिल बहला रहा था अपने पसंदीदा गाने से। ओ भाई खाना पकाना नाश्ता सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये बंदोबस्त करना मेरा काम है। तुम्हारे भी नाश्ते का बंदोबस्त हो ही जाएगा कोई ना कोई। हाँ अल्लाह मियां ऊपर से उतारेंगे नाश्ता तुम्हारे लिए, यहाँ बैठे बैठे नाश्ते का बंदोबस्त हो जाएगा। चलो कहीं बाहर चलते हैं, कोई धंधा पानी करते हैं, किसी को लूटते वूटते हैं, फिर नाश्ते का भी बंदोबस्त हो जाएगा। हाँ धंधा पानी और हम, अबे तूने सुना नहीं है, खुदा जब देता है तो देता है छप्पड़ फाड़ के। देखा आ गया बगैर खाने वाला, सुन लिया? भाकर खाने वाला, भाकर खाने वाला तो कभी फ्लैटों में आया नहीं। अरे ये हमारे नसीब से आया है। जाओ तुम्हारे नसीब से आया, पैसे होंगे तो लोगे ना। अरे पैसों की क्या जरूरत है, अल्लाह मियां ने आधे नाश्ते का बंदोबस्त कर दिया है, अभी लेकर आता हूँ बाकर खानी। देता है ना तुम्हें बाकर खानी, तुम्हारा रिश्तेदार है ना। अरे तो मैं थोड़ी जाऊँगा, रजिया जाएगी। रजिया? रजिया हाँ, ये चली रजिया, ये देख चली रजिया बाकर खाने वाले। अजी भाई बाकर खाने वाले भाई जी, भाई जो बाकर खाने दीजिए। हाँ हाँ की है ये 4 रुपए के चार, 4 रुपए की चार। हाँ 4 रुपए के चार, चार दे दी। हाँ चार ठीक है, चार रुपए दे दी। चार रुपए? हाँ अच्छा, हाँ जल्दी दीजिए, जल्दी दे, मैं
जल्दी जाना है मुझे। चलो अभी अभी देखती हूँ मैं, पैसे तो देखी। 100 का नोट है मेरे पास। अरे 100 का नोट अभी सुबह सुबह बोनी भी नहीं हुई मेरी, अब 100 रुपए का नोट मैं कहाँ से खुला करूँ ना। हाँ। अभी दे जाओ बाकर खाने, शाम को आ जाना जब मुन्ने के नहीं अब्बा हो। है मुन्ने के अब्बा घर पे नहीं होंगे शाम को 5 बजे? हाँ जब तो बुला रही। तो ऐसा करो ना 5:30 बजे रख लो, 5 बजे किसी और को टाइम दिया हुआ। अरे अच्छा अच्छा चलो तो फिर शाम को आ जाना, अभी तो बाखरखानी तो दे दो। अच्छा ठीक है बाखरखानी अब ले लो, और ये है 4 बाखरखानियाँ रख लो, और मैं 5:30 बजे आ जाऊंगा तुम्हारे पास। आओगे ना? हाँ हाँ मुन्ने के अब्बा घर पर नहीं होंगे ना? मुन्ने के अब्बा घर पर नहीं, आओगे ना? हाँ पक्का ना? जरूर आना। बस ठीक है। ये ले आई रजिया तेरे लिए बाकर खानी। देखा रजिया का कमाल? अबे बेसब्रे, तेरे और अपने लिए दोनों के लिए लेकर आया हूँ समझे। इतना बेसब्रा ना बन, तेरे लिए क्या क्या बनना पड़ता है मुझे। ले आए ना, कोई एहसान नहीं किया, 2 बाकरखानी ले आया तुम औरत बन के। अबे सबर कर सबर, रख इसे, अभी दूध वाला आएगा तो बाकरखानी और दूध दोनों मिलके खाएंगे। दूध बाकरखानी खाएंगे, वो दूध देगा तो बाकरखानी खाएंगे उसके साथ। पहले 2 महीने का बिल तो अदा कर दो उसका, मुश्किल है वो आज दूध दे। जाओ उस्ताद टेलीफोन आया। अच्छा 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 है? अबे टेलीफोन क्या तेरे बाप ने लगवाया? दरवाजे पे जा, बेल बजी है, दरवाजा खोल जाके। मेरे पे रोक जमा दे रहा है ना, और जा, काम जा, नहीं है। अबे जा भाई, काम भी कर लिया कर। मरवा दिया उस्ताद। अबे क्या हो गया? अबे दूध वाला आ गया, दूध वाला आ गया, दूध वाला, दूध वाला आ गया। हाँ अभी अभी दूध वाला आया तो कहाँ छुपे? अबे भाई अभी देख भाई, मैं इधर उधर छुपता हूँ, तू 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 समझ ले। इसीलिए तो मैं बोलता था कि पहले पैसे अदा कर दो दूध वाले के, लेकिन नहीं, पैसे आए जब अय्याशी में उड़ा दिए। अभी तो भाई अब इससे कैसे निपटा जाए, जरा संभाल ले यार तू, जमाल। अब जो बेइज्जती करेगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? वाह भाई वाह, मैं चला जाऊं, मैं बेइज्जती करने के लिए मुझे रखा हुआ तुमने? अबे यार तू भाई नहीं है मेरा, जा संभाल ले यार, तू समझा करो। वक्त पड़ने पे बस भाई बना लिया, बाप बना लिया। अबे जाओ यार, तुमने तो जिंदगी आराम करके रख दी। चला जा, समझा कर, जा संभालो उसको यार। उस्ताद दिखने में तो चिड़िया का बच्चा लगता है, मगर वो है बड़ा खतरनाक यार। मैं हूं ना यार, संभाल लूंगा, जा 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 शाबाश। पानी देख ले, पानी वाला दूध भेज भेज के उसकी सेहत ऐसी है। हाँ मालूम है। 1/2 किलो दूध देना बशीर भाई। अरे इशारा मत करो, अम्म को बोलता है दूध दियो। अरे रोकड़ा रोकड़ा मुझे फेसा। मुझे मालूम है बशीर भाई, आप बहुत नाराज हैं, आपकी नाराजगी अपनी जगह पर, मगर आपको क्या मालूम हमारे साथ क्या हादसा पेश आ चुका है। अरे बाबा क्या हुआ? अरे वो उस्ताद है ना अपना, उसका रात को एक्सीडेंट हो गया। शुक्र शुक्र। हाँ भाई वाह, हमारे उस्ताद का एक्सीडेंट हो गया और तुम शुक्र शुक्र कर रहे हो। अरे उस्ताद ज्यादा जख्मी नहीं हुआ बाबा? नहीं ज्यादा जख्मी नहीं हुआ, बस दोनों टांगे टूट गई। उस्ताद हॉस्पिटल में वहाँ पड़ा हुआ है, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं जाके उसकी इयादत कर लूँ, कोई इंजेक्शन दिला दूँ, कोई दवाई दिला दूँ। मेरा साथ की टांगे टूट गई बशीर भाई। मत रोना बाबा, मेरा दिल दुखता है, मत रोना यार, साथ की टांगे टूट गई। मैं अभी तेरे को पैसा देता हूँ, तेरे को उस्ताद को दे देना यार पैसा, ये देखो पैसा मैं देता हूँ। छोड़ो यार। नहीं बशीर भाई, हम तो आपके पहले ही कर रहे हैं। रख लो उस्ताद के काम आएगा, तेरे भी काम आएगा। अच्छा आप दे रहे हो तो रख लेते हैं। बाबा शुक्र है, बड़ी मेहरबानी बशीर भाई। जाओ बाबा कहीं शुगर ना हो जाए। शुक्र है बाबा शुक्र। अबे राजा के बच्चे, ये तूने क्या किया है? मेरा एक्सीडेंट करा दिया है, अभी मेरी टांगे तोड़वा दी, तुझे मैं ही दिखाई दिया था है? धुआं भी। अच्छा हाँ 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 अच्छा अच्छा
हाँ ठीक है ठीक है, अभी ला 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 दे इधर से मेरे हवाले कर। उस्ताद मेहनत मेरी है तुम। हाँ हाँ मेहनत तेरी है यार, लेकिन माना यार अच्छे बच्चों की तरह इसे मेरे हवाले कर दे। इस मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं रखूंगा इसको, ठीक है ना। वैसे उस्ताद एक बात है, अल्लाह ना करे तुम्हारी टांगे सचमुच टूट जाए, बड़ा मजा आए। मैं क्या बकवास कर रहा है। पांच फकीर जो होते हैं ना उस्ताद, उनको लोग इतनी भीख देते हैं, इतनी भीख देते हैं, क्या बताऊं, बस ये करने की जरूरत है अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। यार कह तो तू सही है बाबा। बाबा मेरी बात सुनो बाबा, बाबा बाबा मेरी बात सुनो बाबा, नालाते है बाबा। अबे अबे क्या क्या करवाएगा तू मेरे से, हाँ क्या क्या करवाएगा। अबे कभी टांगे तोड़वा रहा है, कभी फकीर बना रहा है, कभी कुछ बना रहा है, मुझसे क्या क्या करवाएगा। बात नहीं आता तू किसी बात पर, अपनी हरकत क्यों नहीं पहुंचाया तुमने बत्ता, एक हफ्ता हो गया बत्ता नहीं पहुंचाया। पता है हमें शाका भाई को हिसाब देना पड़ता है, काले खान का माल खाने वाले का दिल काला होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं यार, छोड़ यार, फिर भी उसको बचाना हमारा फर्ज है उस्ताद। अरे क्यों किसी के मामले में टांग अड़ाते हो यार, इंसानियत भी कोई चीज होती है यार, गरीब आदमी को कितने बुरे तरीके से मार रहा है वो। अच्छा अच्छा बाबा जा जा तू देख ले, मैं यही खड़ा हूँ, जा जा। तू कौन लगता है इसका? भाई मैं तो इसका कुछ नहीं लगता, मैं आपसे ये कह रहा हूँ आप इस शरीफ आदमी को क्यों मार रहे हैं। भाई बड़ा जोर से थप्पड़ मार दिया। मैं मानता हूँ आप बहुत बड़े बदमाश हो, इतने बड़े बदमाश हो तो वो सामने मेरा उस्ताद खड़ा है, जाके उसको थप्पड़ मार के दिखाओ फिर मानू। देखता हूँ उसको भी और तुमको भी। मेरा भाई तू तो पतली गली से निकल। शुक्रिया भाई। मार दिया। अबे तू बड़ा बदमाश है, ये ले। कहाँ गए दोनों पा गए रामखोर, देख लूंगा इन लोगों को। अबे ये उसने मुझको क्यों मारा भाई? मैंने कहा था मैंने। तूने पिटवाया? हाँ। क्यों पिटवाया भाई क्यों पिटवाया? हाँ जब मुझे थप्पड़ पड़ा था तो कैसे हंस रहे थे। अपने पड़ा तो कैसे वाने। क्यों मजा आया बच्चे? तो पिटवाया था तूने मुझे। अबे तू तो खुद जा रहा था लड़ने के लिए, तूने अपनी गलती की सजा पाई है, मुझे क्यों पिटवाया यार? आगे तुम ये तो नहीं कह सको मैंने अकेले ने बदमाश से मार का ये। अबे क्या? हाँ भाई राजा, तू तो यार रिसाले वगैरह देख के अपने पेट की आग बुझा रहा है, अबे अपने उस्ताद के बारे में भी सोच यार। आज बड़ा दिल कर रहा है कोई अच्छी सी चीज बना। मसलन मछली पका ले यार। मछली के पाए ना पका लूं? हाँ हैं। अबे यार मछली के पाए होते हैं क्या? अबे तुम फरमाइश तो ऐसे करते हो जैसे जेब नोटों से भरी हुई है, अब तो दाल खाना भी मुश्किल है। दाल खाना भी है? दाल खाना भी मुश्किल है क्यों भाई? सब्जी वाले के 500 रुपए उधार, गोश्त वाले के 1000 रुपए उधार, दुकानदार के 2000 रुपए उधार। अबे क्यों करता है आवाजार? एक मछली की फरमाइश की थी और तूने इतनी बातें सुना डाली है यार, कैसा शागिर्द है उस्ताद। तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है यार। अबे तेरी जान से पेट भरेगा क्या? अबे ज्यादा डायलॉग मत मार, जा कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर यार। अबे यार साला पढ़ने तो तुम्हें खाना खाने के अलावा कुछ नहीं आता। चल जा, जाके देख बैल बज रही है। और हाँ अगर कोई उधार वाला हो तो मेरा कहते घर पे नहीं है,
जा शाबाश। अल्लाह करे कोई ऐसा दिन आए जो तुम घर पर ना हो हमेशा के लिए। अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद, उस्ताद, उस्ताद। क्या हो गया? बड़ी उस्ताद। अरे क्या है? अरे बहुत लड़की, लड़की बाहर जा बाहर। क्या हुआ? अच्छे से क्या कर रहा है? लड़की है? दरवाजा खोल भाई, मुझे तो शर्म आ रही है। अरे पहली दफा कोई लड़की आई है हमारे घर में, मुझे तो शर्म है। तुम जाओ, तू आराम कर, मैं देखता हूँ जाके उसको। मैं भी आ रहा हूँ साथ। बैठा रहे। मेरा ख्याल है ये हमारी नई पड़ोसन है। क्या कर रहे हो तुम? आ गई, हम लोग बदनाम है। अभी मैं कुआरा हूँ, मेरी उम्र भी कुछ नहीं है। ये तो अच्छी खुराक की वजह से बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा हूँ, यकीन करो। शब्बो शब्बो नहीं, बिजली कहो। अच्छा बिजली, ओ उस्ताद शर्म करो शर्म। मेरा ख्याल है ये हमें कुछ देने आई है और तुम कैसी बातें लेके बैठ गए हो। अच्छा अच्छा, क्या लाई हैं आप? खीर। खीर? मेरी पसंदीदा चीज लेकर आई हैं आप। उस्ताद घर की चीज आई, कोई हमें तो खिला दो। मेरे उजड़े हुए चमन में बाहर लाने वाली, अपना चांद सा चेहरा तो दिखा दो। नहीं नहीं उस्ताद, ये कोई पर्दादार खातून लगती है। देखो मुझे यकीन है कि तुमने मुझे पसंद कर लिया है। एक बार चेहरा दिखा दो। पहले मुझे दिखाएगी? जाने मन, अपना चेहरा दिखा दो। नहीं नहीं दिखा दो, नहीं दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो, ये लो। मैं भी तो देखूं इतना हसीन चेहरा, जिसको देखकर मेरा उस्ताद बेहोश हो गया। उस्ताद ऐसे हुस्न की ताब नहीं ला सका। मैं भी तो देखूं, मुझे भी दिखाओ अपना चेहरा। दिखा दो, ये लो। ये तो गए छिछोरे। तोबा है तोबा, ऐसे लफंगे लोग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। रानी, किन लफंगों की बात कर रहे हो भैया? देखो मुझे भैया मत कहा करो, मुझे गैरत आने लगती है। मुझे आपा कहा करो, आपा। तो आपा ही सही। अब बताओ आपा, किन लफंगों की बात कर रही थी? तोबा रे तोबा, हमारे पड़ोसी ने पड़ोसी दोनों छड़े चाड़े। अगर मुझे मालूम होता ना तो मैं यह मकान बिल्कुल नहीं लेती। अरे ये तो बताओ हुआ क्या? हुआ ये कि मैं तुम्हारे कपड़े पहनकर उन्हें खीर देने गई, मगर उन्होंने मुझे लड़की समझकर मेरे साथ ठरकबाजी शुरू कर दी। मगर मैंने भी रोशन के ऐसे जलवे दिखाए कि दोनों बेहोश हो गए। अगर तुम ऐसी हरकतें आखिर करते क्यों हो? मैं ये सब कुछ तुम्हारी हिफाजत के लिए करती हूँ। मेरी हिफाजत के लिए? हाँ, पहले मैं लोगों के घर खुद जाती हूँ, मुझे पता चले कैसे लोग हैं। कल कला तुम्हें उनसे कोई खतरा तो नहीं हो सकता? तुम उनके घर आ सकती हो, जा सकती हो या नहीं? हाँ? वाह मेरे मालिक वाह, माँ बाप तो तुम ही ले लिए और भाई दिया तो वो भी ऐसा जो ना बहन है ना भाई।
माल आ गया। माल तो खालिस है ना? बिल्कुल खालिस है। कोई परेशानी तो नहीं हुई? लाला को पैगाम पहुंचा दो कि अपना माल आके यहाँ से ले जाए। मेरे समझ में बात नहीं आई। एक तरफ आप उससे कारोबार करते हो और दूसरी तरफ दुश्मनी। वक्त आने पर दुश्मनी भी निकाल लेंगे हम। राजा, अरे यहां बैठा हुआ। भाई तुम यहां बैठे हो? मैं तुम्हें कहां का तलाश कर रहा था। क्या बात है, बड़ा मुंह लटकाया हुआ है। छोड़ो उस्ताद, दिमाग खराब नहीं करो। अरे तुम्हारा भी दिमाग खराब होता है, क्या मतलब है तुम्हारा? बस बस, देख लिया मैंने तुम्हें। अरे राजा साफ साफ बात करो, क्या है? क्या साफ साफ बात करूं, कल का वाकया याद है? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, कौन सा वाला? वो जो कल जनन आया था साला खीर देने। वो तो साला इजड़ा निकला, अगर कोई लड़की होती तो फिर। अरे अरे छोड़ो ये, अरे अरे मुझे सब मालूम है, अगर कोई लड़की होती तो तुम तो निकल गए थे मेरे रास्ते। राजा मेरे भाई मेरे दोस्त, ओहो अबे तुझ पे ऐसी हजारों लड़कियां कुर्बान हैं। पागल तू मुझे ऐसा समझता है? लड़कियां तो लड़कियां, उस्ताद तेरे पैसे कुर्बान हैं। राजा यार तू तो बहुत छोटे दिल का निकला। उस्ताद तुम्हें तो मालूम है कि मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, और तुमने ही अगर मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं इस दुनिया में तन्हा रह जाऊंगा। राजा तू मुझे ऐसा समझता है यार, और वैसे भी हमारा तुम्हारा ये रिश्ता सिर्फ मौत ही खत्म कर सकती है, और राजा मेरा भी कौन है तेरे सिवा इस दुनिया में। अब हंस दे, अब मार ताली। दरवाजे से, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, किसी ने दरवाजा नहीं खोला, मैं अंदर चला आया। तुम्हें मिलना किससे है? क्या? मेरा मतलब है तुम्हारे भाई से। वो तो घर पर नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या मतलब? मतलब ये कि कोई बात ही नहीं है, क्या हुआ? घर पे नहीं है तो आप तो है ना? मगर मैं किसी घर से बात नहीं करती। भाई खैर कैसे मी? आप मेरे दोस्त की बहन है ना? है ना? तो वो आपका भाई कौन है? मेरा दोस्त है। तो भाई आप ही मेरी दोस्त हुई ना। मार ताली। मगर मेरे भाई ने तो आपका कभी जिक्र ही नहीं किया। हैरत है, हालांकि वो मेरा क्लास फेलो था। भाई क्लास फेलो था, मगर वो तो कभी स्कूल ही नहीं गया, अनपढ़ है। अरे असल में वो मेरे स्कूल के सामने से गुजरता था। अच्छा अच्छा अच्छा। और वहीं उससे मेरी दोस्ती हो गई। वैसे चाय का बहुत शुक्रिया, बहुत मजे की। आइए मैं आपको ना उसका एक बचपन का किस्सा सुनाता हूँ। भाई इधर बैठे, मैं आपको आपके भाई का एक बचपन का किस्सा सुनाता हूँ। भाई क्या बात है तुम्हारे भाई की, मुझे देख के तो बहुत ही खुश होता है वो। अच्छा? हाँ बस अगले दिन मुझे बाजार में मिला और बस मेरे उसे हाथ मिलाने लगा और कहने लगा, भाई तुम्हारे हाथ कितने खूबसूरत है। हाँ तो फिर अगले दिन मुझसे मिला तो मुझसे कहने लगा, ओहो बाल बड़े प्यारे बनाए हुए हैं और शक्ल बड़ी खूबसूरत है भाई तुम्हारी, हैं? आजकल क्या खा रहे हो तुम? मैंने कहा खाना क्या है, वही बाकर खानी खा रहे हैं और चाय पी रहे हैं। अभी कल ही मुझे वो बाजार में मिला और बस बहुत खुश हुआ देखते ही, और मेरे तरफ सीधा आया, कहने लगा अस्सलाम वालेकुम राजा भाई, राजा भाई अस्सलाम वालेकुम, बस और मेरे हाथों की तारीफ करने लगा। वैसे तुम्हारा भाई जो है तारीफ के मामले में बहुत बड़े दिल वाला है, और मुझे कहता है कि तुम तो ऋतिक रोशन लगते हो। ऋतिक रोशन? जब मैं ऋतिक रोशन हो सकता हूँ तो तुम करीना कपूर क्यों नहीं हो सकती?
क्यों नहीं हो सकती और तुम मुझे क्यों नहीं पसंद कर सकती, क्यों नहीं पसंद कर सकती। आओ आओ प्यार करें, आओ प्यार करें, प्यार ओ आए आए। अरे कमबख्त मारे, यहाँ बैठ जा रानी बहन, ये उन दो ठरकियों में से एक ये भी है। अबे छोड़ छोड़, अबे ठरकी बोल के मेरी तोहिन मत करो, मेरा नाम राजा है। अगर तुमने ये दोबारा आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। अबे ऐसे नहीं कर, चल निकल। रानी मैं जा रहा हूँ। अरे वहाँ कहाँ जा रहे, बाहर निकल तो कमबख्त मारे। बाबा बाबा मेरी बात सुनो, बाबा बाबा, अरे बाबा मेरी बात सुनो बाबा, लाल रखे बाबा। अरे बाबा कोई सुनता ही नहीं है बाबा, क्या हो गया है बाबा, इस शहर को क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता बाबा। अरे बाबा बाबा बात सुनो बाबा, अरे मेरी बात सुनो बाबा, इधर आओ बाबा, अरे मेरी बात सुनो, ये तस्वीर देखो बाबा, इसको कहीं देखा है ना बाबा? नहीं देखा ना बाबा। अरे है कौन ये बाबा? ये मेरा छोटा भाई है, ये नालायक गोठ से भागा है नाराज होके, इधर कराची आ गया है बाबा, मैं इसके पीछे पीछे तलाश करता हुआ कराची पहुंच गया, इसको तलाश करता फिर रहा हूँ बाबा, इसके चक्कर में मेरी जेब भी कट गई, अभी भूखा प्यासा इसको तलाश कर रहा हूँ, भूख की वजह से रोया भी नहीं जाता बाबा, रोना आता है लेकिन रो नहीं सकता बाबा, अभी आप मेरी कुछ मदद करो बाबा। आप फिक्र नहीं करो, इंसान इंसान के काम आता है, ये लो पैसे मैं तुमको देता हूँ, तुम अपने गोट में चले जाओ, गोट में चले जाओ, समझा, और मेरे लिए दुआ करना, दुआ करे अल्लाह साईं भला करे, अल्लाह खुदा हाफिज़, अल्लाह तुम्हारी भी खैर करे, मेरी भी खैर करे बाबा, बड़ी मेहरबानी बाबा, बड़ी मेहरबानी बाबा, बड़ी मेहरबानी। तू यहाँ कहाँ से आ गया, तेरी तस्वीर दिखा के तुम्हें नोट पकड़ लाऊं? नहीं यार, तुझे भी अभी आना था, और शिकार कितना लगा? अबे शिकार तो कोई चार पांच लग गए। वाह भाई वाह, प्रोग्राम क्या चल रहा है? अबे प्रोग्राम बस यही चल रहा है बाबा। बाबा मेरा भाई घर से नाराज होकर भाग गया है बाबा, और मैं उसको शहर में तलाश करता फिर रहा हूँ बाबा। अरे अरे बाबा, अच्छा हाँ यार राजा, यार वो हिजड़े के बारे में कुछ मालूम किया क्या? अरे उस हिजड़े के बारे में कुछ पता चला? साथ सब मालूम कराया हूँ मैं। अच्छा, उस हिजड़े का नाम है बिजली। अच्छा, और उसकी एक बहन भी है जिसका नाम है रानी। ओ क्या खूबसूरत चीज है। ओ राजा रानी, राजा रानी, राजा को रानी से प्यार हो गया। एक बात है उस्ताद। क्या? वो साला हिजड़ा इतना खबीस है, इतना खबीस है कि तुम्हें क्या बताऊं मैं, वो तो उसके नजदीक किसी को भटकने भी नहीं देता। अबे तू फिक्र नहीं कर यार, उसको मैं संभाल लूंगा मैं। अच्छा हाँ, तू अपना काम किए जा। मैं तो कहता हूँ उस्ताद, चार पांच शिकार लग गए हैं, मोहल्ले में चलकर जिसका उधार देना है उसको जाकर उधार देते हैं, और रुकना उधार उतारते हैं। वो ही बीवियों वाले मशवरे, पहले उधार चुका दो उधार, अबे चुका देंगे उधार उधार, चला आज कुछ अय्याशी करना है। अय्याशी? अबे अय्याशी से मेरा मतलब है कुछ खाना पीना, कुछ चरगा वरगा है। अबे वहाँ चलेंगे यार, कुछ खाएंगे पियेंगे, जेब भी गर्म है, वहाँ को गर्म गर्म खाना खाएंगे। शाका, आजकल माल तुमने बहुत महंगा कर दिया है, और माल भी खालिस नहीं आ रहा है।
लाला तुम भी अपनी मर्जी की कीमत का असला देते हो। शाका तुम मेरे साथ पार्टनर क्यों नहीं बन जाते? लाला शेर जंगल का अकेला बादशाह होता है, तुम मेरी बादशाही क्यों नहीं कबूल कर लेते? ये तो वक्त ही बताएगा कि जंगल का बादशाह कौन है। लाला वक्त आया तो तुम्हें इतनी भी मोहलत नहीं दूंगा कि तुम मुझे हुकूमत करते हुए देख सको। सुनो जब फुर्सत मिले तो मैदान लगा लेना, और हाँ बहादुरों की तरह आगे से वार करना, बुजदिलों की तरह पीछे से वार मत करना। अब जाओ। हाय हाय हाय, इतना सीढ़ी बना लिया है इन लोगों ने, चांद पे घर बना लिया है, चांद पे पहुंचना है क्या इनको? हाय थक गया हूँ, क्या करूं, मेरा ख्याल है यही घर है। क्या ख्याल है? इसी पे टक टक करता हूं, कोई निकलेगा बाहर। बाबा ये क्या है ये लाल लाल? अरे ये तो घंटी है, शेर की घंटी है, इसको बजाते ही लोग निकलते हैं बाहर। ये कौन आ गया है सो? दूध वाला होगा? नहीं सब्जी वाला होगा, या फिर हो सकता है गोश वाला होगा। क्या करूं, राजा भी इस वक्त घर पे नहीं है। चल उस्ताद बेटा हिम्मत कर ही ले, देख लेंगे कौन है। अरे मिठले दरवाजा तो खोलो, तेरा दोस्त जानू आया है। जानू? हाँ मेरा यार। अरे अंदर आ जाओ बेटी, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। अरे मिठले, अरे मेरा दोस्त, मेरा यार, एक तो तुम्हारा घर बड़ा मुश्किल से मिला है। हाँ एक तो चांद पे तुम लोग घर बना ले तो सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के चढ़ चढ़ के चढ़ चढ़ के। बैठो बैठो बैठो, अंदर आ जाओ, शहर में ऐसे ही होते हैं। और भाई जानू भाई तुम सुनाओ कैसा है, तुम कैसा है? ठीक हूँ मैं, तुम सुनाओ। क्या सुनाओ बाबा? गाँव में खैर है ना? हाँ गाँव में सब खैर है बाबा, सब खैर है गाँव में, सब खैर है, बिल्कुल खैरियत है। सिर्फ अच्छा, अच्छा। मेरा बीवी का इंतकाल हो गया। अच्छा 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 है? हाँ बड़ा अफसोस हुआ यार सुनकर मुझे जानू भाई। हाँ मुझे भी हुआ है, इसीलिए तुम्हें अभी शहर में आ गए। हाँ अच्छा यहाँ पर शहर में आ गए, तुम यहाँ की रौनकें वगैरह देखोगे तो तुम्हारा दिल लगेगा यहाँ पर, है ठीक है ना? और बाकी सब खैर है ना? हाँ बाकी सब खैर है, बस गांव में तुम्हारी चाची का इंतकाल हो गया। अच्छा अच्छा है? हाँ अरे क्या कह रहा है यार जानू भाई, गांव में तुम्हारी चाची का इंतकाल हो गया, चाची मर गई तेरी। और तो खैर है? और सब खैर है, और सब खैर है, बस तुम्हारा जो भांजा है ना भतीजा, वो स्कूल में जा रहा, वो भी मर गया। अच्छा? हाँ अरे वो भी मर गया। जानू भाई क्या कह रहा है यार, सब मर रहा है? असल में अरे कोई बचा भी या नहीं? असल में गांव में हेजा फैल गया है, सब लोग मरते पड़े हैं, मैं जो मरने से बड़ा डर लगता है, इसीलिए मैं अपना भतीजी को साथ लेके शहर आ गया हूँ। अच्छा 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 भतीजी? अरे ये तेरी भतीजी है? हाँ बड़ी अच्छी है यार। मेरी क्या, तुम अपनी समझो। अच्छा 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 समझो क्या मतलब? ये मेरा टप्पड़ है। टप्पड़? टप्पड़ मतलब मैं शेर अच्छा, में आया ना अच्छा, तो हाँ, ये कपड़े में साथ ये पहनने के कपड़े लाए। हाँ, हाँ, कमरे में रखवा दो। ठीक है ठीक है। जानू भाई हाँ, इसे हाँ, तुम अपना ही घर समझो। हाँ, तुम आराम से बैठो। हाँ, और तुम भी आराम से बैठो। हाँ, मैं ये तुम्हारा टप्पड़ अंदर रख कर आता हूँ। बिल्कुल मेहरबानी मेहरबानी। खाने पीने का यार, खाने पीने का चाय वाय बनवाता हूँ तुम्हारे वास्ते, बात से निकला है। हाँ चाय वाय भेजता हूँ जल्दी कर, और खाने वाले का खाने का बंदोबस्त करके अभी आएगा ना, अभी हम लोग खाएंगे तो मेरे लोग मजा मजा। ए आज नहीं लग रहा हो,
इजहार नहीं लगाओ, इसमें करंट होता है। समझता नहीं है? छे नहीं बाबा, ऐसा तो नहीं करना। हाथ नहीं लगाओ, ऐसे देखो, ऐसे देखो। बात करते हैं इसमें से, बात करते हैं इसमें से, बात करते हैं आवाज आता है। हाँ, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं उसको? बात मशीन। बात मशीन, हाँ, इसमें अंग्रेजी में मुझे बोलते हैं। मेरे को भी पता है। हाँ, इसमें बात होता है। वो तो आप देखेंगे आप। चलो बस, हाँ चलो 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 बाबा, चलो चलो चाय चाय पी। हाँ हाँ बैठो बाबा, जान आराम से बैठ जा, आराम से। गरम गरम चाय जो मजो, रूबी डस्ट जो मजो। जानू भाई चाय पीजिए, चाय आप भी लीजिए ना चाय।
ये तो कितने सोने प्याले हैं। हाँ बस बाबा, अभी चाय तो ऐसा नहीं है शहर का जैसा हमारे गुठ में होता है, बस अभी गुजारा है। जानू भाई, गोट जैसी बात इस शहर में कहाँ। हाँ ये बात तो है। अरे अरे चाय पी रही है, बिस्किट ले। अरे देता है ना भतीजी, हमारा है कि तुम्हारा है। अरे यार मिठले, तुम भी कमाल करता है यार। मैं ये बात बोलता हूँ, देखो। हाँ मेरे को घड़ी घड़ी मिठल कहकर मत पुकार। हाँ क्यों? बात दरअसल ये है। ए ऊपर बैठो ससी, ऊपर बैठो, इधर किधर बैठ गए? मैं इधर बैठ के आप कहाँ चढ़ गई? अरे ऊपर बैठो, ऊपर बैठो भाई। क्या है समझ में? ये गांव नहीं है, ये शहर है। शहर है बाबा। वहाँ बैठो ऊपर। मिठल सही बोल रहा है, ऊपर बैठो, इधर आओ मेरे पास बैठो। ये हुई ना बात। हाँ क्या बोलता था तुम? क्या बोलता था? मैं ये कह रहा था कि ये शहर है, यहाँ मेरे को मिठल के नाम से नहीं जानते लोग, उस्ताद कहते हैं। उस्ताद? उस्ताद? हाँ उस्ताद। मगर मेरे को तो इतना याद है कि हमारे गोट में कोई स्कूल था नहीं जब तुम था उधर। नहीं था, नहीं था। फिर तुम उस्ताद कैसे हो गया? अरे इधर शहर में बच्चों को पढ़ाता है क्या यार? जानू भाई बस सब कहते हैं, तुम भी कह लिया करो उस्ताद। बस ये राजा समझ में नहीं आता यार, उस्ताद कैसे हो गया? राजा पता नहीं कहाँ चला गया यार। ये राजा कौन है? जानू भाई, दूर से जब मैं शहर आया, जिस फुटपाथ पे मैं सोता था, ये राजा भी वहीं होता था। उसके माँ बाप फौत हो चुके थे और मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं था, तो इस तरह हम दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए। वो मेरी नजरों के सामने जवान हुआ, इसलिए मैं उसको बेटा समझता हूँ। मगर अभी वो है किधर? बिठले ओ उस्ताद? हाँ उस्ताद होगा कहीं। अभी मैं बाजार जाता हूँ। अरे बाजार जाता है? हाँ। मैं भी तेरे साथ बाजार चलता हूँ, मैं भी देखता हूँ शहर का बाजार कैसा होता है। चचा मैं भी चलती हूँ ना बाजार। ये बाबा तुम औरत जाते, तुम बाजार जाएगा? इधर तुम घर पे हो जाओ, इधर सफाई मफाई करो, घर का सफाया करो, हम लोग बाजार सो के आते। चलो बाबा मैं चलता हूँ, अभी आते। चलो चलो बाबा, चलो चलो बाबा, चलो। हर वक्त करने लगा हूँ। अगर तुम कहो तो अपने उस्ताद को भेजूं तुम्हारे पास रिश्ते के लिए। बात मेरी रजामंदी की नहीं, मेरा भाई किसी लड़के से बात करते हुए तो देख नहीं सकता, शादी क्या करवाएगा? तो फिर मेरा कहना मानो और मेरे साथ शादी कर दो, मैं ही हूँ जो तुम्हें जहन्नम से छुटकारा दिला सकता हूँ। मैं पागल हूँ क्या? एक जहन्नम से निकल कर दूसरे जहन्नम में चली जाऊँ? क्या बात है, तो फिर मार डाली। अरे मुझे सब मालूम है, तुम और तुम्हारा उस्ताद दोनों फ्रॉडियो हो। तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता? कहाँ तुम और कहाँ मैं है? इश्क ना ऊंच देखता है और ना नीच देखता है, ये तुम और ये मैं और ये दोनों बराबर हो गए। और अगर तुम मुझे गौर से देखो तो मैं मजनू नजर आऊंगा, और अगर और गौर से देखो तो मैं तुम्हें राजा नजर आऊंगा। बारियां ते नाले कंधा टपके आवांगा हवा।
नाले कंधा टपके बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके आवांगा हवा बनके बूहे बारियां हाए बूहे बारियां जांगा कच्चा घड़ा फड़के कंडे लग जांगा कच्चा घड़ा फड़के मैं आवांगा हवा बनके बूहे बारियां हाय बूहे बारियां बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके आवांगा हवा बनके बूहे बारियां रिश्तेदार हो मगर वो तो कहता है कि मेरा कोई रिश्तेदार ही नहीं इस दुनिया में।
उनके गोठ के हैं। लो लगता है वो लोग भी आ गए। ये सब सामान बहुत अच्छा है। देखो ये कौन है? अरे मोबाइल मस्त आदमी, मुझे तुम ये बताओ ये औरत कौन है और ये बुढ़ा कौन है? अरे घोड़ा, अरे घोड़ा, मेरे को बुढ़ा बोलता है, शर्म करो, इसको बोलो तो सही। बुढ़ा बोलता है? ये बोलते मुझे औरत नहीं बोला, तुम बोलते मुझे बुढ़ा नहीं बोलो। भाई ख्याल रखे मुझे, ये तो शर्म नहीं करता है, तो शर्म करो यार। क्यों मैंने कपड़े नहीं पहने होते, शर्म करूं? पहने हुए तो अभी मैं क्या बोलता हूँ तेरे को। अरे यार राजा, ये हमारे मेहमान है यार, मेहमान। मेहमान कहाँ से है? मेहमान गोट से आया है, मेरा बहुत पुराना दोस्त है, गोट का साथी है मेरा ये। अच्छा तो ये वही है राजा, तुम्हारे साथ उठता है, तुम्हारे साथ बैठता है, वही है राजा है। राजा यार मेरे से तुम गले मिलो, आओ, जब मेरे को पता चला कि तुम इसका दोस्त है तो मेरे को बहुत खुशी हुआ, बहुत खुशी हुआ। ससी इनको अंदर ले जाओ, बाजार से खरीदा है बाबा, बाजार से खरीदा है। आओ बैठो, बैठो बैठो बाबा, बैठो, अपना घर है, बैठो, शर्म नहीं करो, बैठो, हमारा अपना घर है। और हाँ राजा, ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है, इसके साथ मैंने बहुत वक्त गुजारा है, काफी जमाना गुजारा है। हाँ बहुत वक्त गुजारा है, हम लोगों ने गरीबी में भी वक्त गुजारा है और अमीरी में भी वक्त गुजारा है, फकीरी में भी गुजारा है। अमीरी में तब गुजारने आए हो? हाँ अभी शहर का बत्तियां देखने आए। राजा बेचारे बहुत परेशानी में। हाँ क्या कह रहे थे जानू भाई? हाँ मैं ये कह रहा था कि मैं जो अपने साथ अपने भतीजू को लेकर आया हूँ ना। हाँ हाँ, अरे कहाँ है वो भाई? कहाँ है वो? अंदर गई है सामान लेने। अच्छा, अभी अच्छा। मैं बोलता हूँ कि मैं इस भतीजू को लेकर आऊँ, इसका यहाँ शादी करा दूँ, फिर मैं अपने हाँ। गांव वापस चलता हूँ। अच्छा। क्यों? हाँ। उधर गांव में क्या सब मर गए हैं क्या, जो उस चीज की यहाँ शादी कराने के लिए ले आए हो? अरे तुमको पता नहीं है, हकीकत भी यही है, उधर हमारे गाँव में बड़ा खतरनाक मर्द ऐसे कहाँ फैला हुआ है। ऐसे का? हाँ ऐसे का मर, सब लोग मरते हैं, हम लोग जान बचा के इधर आ गए। हाँ जान बचा, हाँ, के जान बचा के आ गए। बहुत परेशान है, ऐसे का मर्द बहुत है उधर, सब लोग मरते हैं। ऐसी बीमारी है कि एक से दूसरे को लगती है। हैं? नहीं नहीं हम लोग को तो कुछ नहीं है, हम लोग को कुछ नहीं है बाबा, बात सुनो, हम लोग को कुछ नहीं है बाबा। अरे बाबा बात सुनो, बात सुनो, अरे इसको समझाओ यार, हम लोग को कुछ नहीं है, सुई लगाया है, हिफाजती का यार, हम तुमसे झूठ बोलेगा क्या? कमाल है यार। अच्छा इन्होंने हिफाजती टीका लगवा लिया, अब तू आराम से रह गया। हाँ हम लोग को झूठ बोल के क्या करना है, हम लोग को जन्नत में नहीं जाना है क्या? उस्ताद मैं तो जा रहा हूँ सोने। देख रहा हूँ बहुत थका थका दिखाई दे रहा है, जा सो जा, जाओ सो जाओ, जा सो जा, आराम से जा, लेट जा, सो जा। चाचा मैं आप लोगों के लिए खाना वाना पकाती हूँ। हाँ 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 पकाओ बाबा, पकाओ पकाओ, भूख बहुत लगी है, पकाओ, तुम्हारा अपने घर है। हाँ हाँ हमारा अपना घर है मिठल। उस्ताद 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 मेरे को ये बताओ क्या? कि ये जो राजा अभी गया है ना इधर से, हाँ हाँ। उसका धंधा क्या है, बिजनेस क्या है, कारोबार क्या है? अरे राजा का? हाँ हाँ। अच्छा भाई उसका अपना कारोबार है? अच्छा हाँ। उसका अपना कारोबार है? हाँ। वाह भाई तो अच्छा है। अच्छा तुम्हारा क्या कारोबार है? मेरा अपना कारोबार है। अच्छा तुम्हारा भी अपना कारोबार है? हमारे गांव में तो दूसरों को कारोबार करते हैं। अच्छा तुम्हारा भी अपना कारोबार है, उसका भी अपना कारोबार है, ये कारोबार है क्या भाई? जो मेरा कारोबार है वो उसका कारोबार है। अच्छा तो जो तुम्हारा कारोबार है वही उसका कारोबार है, तुम दोनों का क्या कारोबार है भाई? जो हम दोनों का कारोबार है। अच्छा तुम दोनों का जो कारोबार है वही कारोबार है, अच्छा कारोबार है। अच्छा अभी मैं ये सोचता हूँ कि मेरा जो भतीजी है ना वो ससी, अरे कारोबार का तो रह गया ना मामला, कारोबार का, हाँ कारोबार के बारे में बताने वाला था कि हमारा सोने का कारोबार है। अच्छा तभी वो सोने गया है? अरे वो सोना नहीं यार। अच्छा वो सोना नहीं, ये सोना, ये सोना, ये सोना,
जब भी मैं बोलूं हाँ। तुम लोग इतने ऐश है ठाट बाट है ऐसा हाँ। जिंदगी गुजारा है अल्लाह का शुक्र है भाई तुम लोग तो कमाल करता है अल्लाह का शुक्र है जानू भाई कभी गुरूर हाँ। नहीं किया कभी हाँ, गुरूर करना भी चाहिए हाँ। गुरूर करना बुरी बात है अल्लाह को ना पसंद अभी मैं ये सोचता हूँ कि ये जो राजा गया है ना इधर से अपना भतीजी का शादी में इसके साथ कर दूँ राजा के साथ हाँ बड़ा अच्छा ख्याल है ना मेरे ख्याल में राजा मानेगा नहीं क्यों नहीं मानेगा मेरा अपना ख्याल है हा? नहीं नहीं मारना पड़ेगा उसको मारना पड़ेगा मारना पड़ेगा जानू भाई ऐसा करते हैं थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं बाहर चले क्यों भाई राजा भी अकेला होगा सस्ती भी अकेली होगी नहीं हो सकता है नहीं। इस तरह आपस में एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को पसंद करने लगे ना बाबा मैं अपना भतीजी को गैर मर्द में कैसा छोड़ेगा अरे जानू भाई कैसी बात कर राजा मेरा शागिर्द है मेरे भाइयों की तरह है मैं जानता हूँ उसको अच्छी तरीके अच्छा वो ऐसा वैसा लड़का नहीं है वो ऐसा वैसा नहीं है नहीं बिल्कुल नहीं है बिल्कुल नहीं है आप मुतमइन रहे बिल्कुल फिर चले जानू भाई एक मिनट सब्र करो क्यों वो जो हमारा भतीजी है ना ससी वो राजा को देख के अकेले डर जाएगा उसको पहले समझा देती ये बात तो सही है हाँ उसको बुला के समझा देती ए ससी बेटा इधर आओ अम्मा क्या जी चाचा देखो ये जो लड़का अभी यहाँ से गया है ना उसके साथ हमने तुम्हारा वो कर दिया है क्या बोलते मंगनी मंगनी कर दिया घोड़ा रे घोड़ा घोड़े से नहीं भाई ये मेरे गले से वो जो सोना पड़ा रहा है हाँ जो बंद आया ना चाचा मैं गले से शादी नहीं करूँगी मैं भाई राजा की बात कर रहा हूँ इंसान जैसा लगता है आए तो इंसान हर गले मुट्ठी हर गले गले जैसी मुट्ठी सच्ची मुट्ठी अच्छा ठीक है तुम्हें कबूल है कबूली कबूली कबूल है राजा काम से हाँ अच्छा सच्ची हम जा रहे हैं काम से और देखो अब तुम राजा का ख्याल रखना और बिल्कुल परेशानी होना बड़ी मैं क्यों परेशान होने लगी अरे मेरा मंगेतर जो है घर में बच्ची बड़ी खुश हो गई खुश तो वही ना हम लोगों के गाँव में ऐसी होता है ठीक है फिर हम चलते हैं तुम इतना खाने वाले का देखो और इतना बड़ा होगा ठीक है चलते हैं परेशान नहीं मैं आता हूँ आ जाओ आ जाओ राजा ऐसे नहीं उठेगा अभी मदद रखा किसने की ये मंगनी और क्यों हुई ये मंगनी बाबा वो नहीं है तेरा बाबा उसने की ये मंगनी बाबा हाँ। बाबा वही मेरे चाचे का दोस्त वो तेरा बाबा है ना अबे उस्ताद तेरा बेड़ा गर्क मैं मरवा दिया क्या बला मेरे पीछे लगा दी क्या मुझको बला बोलता है मुझको अरे अपनी मंग को बला बोलता है सरिया मुझे ये रिश्ता कबूल है यही कहना चाहता है ना तू आखिर मुझ में किस चीज की कमी है अकल की मेरी इतनी तारीफ ना कर साईं साईं तू हाथ मुंह धो के तैयार हो जा मैं तेरे लिए खाना ला मैं कहाँ जाऊँ
हाँ हाँ बेटी, चलो हम अपने शहर को चलते हैं, अपने गांव को चलते हैं। नहीं जानू, तुम कहीं नहीं जाओ, मैं राजा को समझा पाऊँ। नहीं बाबा, नहीं बाबा, ये दिल के सौदे हैं, इसमें जबरदस्ती नहीं चलती। बेटी चलो, चलो गोट की चलने की। चल जा, जा, मैं पहले अपने शहर का लिबास उतार लूँ, अपने गांव का लिबास पहन लूँ। हाँ चलो, चलो, चलो। खुदा हाफिज़ बाबा, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। मैं दिल के हाथों मजबूर था, मुझे मालूम है वो तुम्हारा दोस्त था। उस्ताद नाराज नहीं होना। नहीं राजा, तुमने अच्छा किया, मुझे साफ साफ बता दिया। वैसे भी किसी को धोखे में नहीं रखना चाहिए। अच्छा हाँ, अब वो रानी वाला मसला क्लियर करो। जी उस्ताद। ये राजा पता नहीं कहाँ जाके बैठ गया, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। जहाँ जाता है बैठ जाता है कम बार। कौन है भाई, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बिजली, आओ भाई आओ, कहो कैसे आना हुआ। उस्ताद मैंने सुना है कि आप गाने बहुत शौक से सुनते हैं। हाँ लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। आजकल बाजार में एक नई गाने वाली आई है। अच्छा, बस क्या गाती है। ओ, मुझे भी तो लेके चलो वहाँ। चलो। हाँ हाँ एक मिनट, राजा आ जाए तो चलते हैं। ऐसी जगह पर राजा को ले जाने की क्या जरूरत है। सही कह रहा हूँ, राजा को वाकई वहाँ नहीं लेके जाना चाहिए। चलो हम चलते हैं। चलो चले। चलो बिजली। रंग बिरंगी तितलियां हैं। अब तुम्हें भी यही रहना पड़ेगा। मुझे? हाँ गुरु, शिकार लाई हूं। अबे अबे ये कहां ले आया, ये तो तेरी तरह ही पौने आठ है। आपको नहीं कह रहा, आपको नहीं कह रहा, इसको कह रहा हूं, इसको। मुझे माफ कर भाई, मैं तो जा रहा हूं बस। ठहरो ठहरो बच्चों। जी गुरु। आओ
जरा मेहमान की खिदमत तो करो। अच्छा अच्छा ये बात है, खाने पीने का मामला हो तो फिर मैं रुक जाता हूँ। तुम्हें हम आज जरूर खिलाएंगे और ऐसा खिलाएंगे कि तुम याद रखोगे यार। अभी ये काम फंसवा दिया तूने मुझे, ये सब क्या है? ये इंतकाम है मेरी बहन से मोहब्बत करने का जो राजा ने किया है। ओ तो ये बात है बिजली, राजा के लिए तो जान भी हाजिर है। तुम लोग क्या कर लोगे मेरा? शाका ले जाओ इसे। बिजली ये तुमने अच्छा नहीं किया, राजा को पता चल गया तो वो तुझसे इंतकाम लेगा, इंतकाम। आएगा जरूर आएगा और हम उसे बुलाएंगे। उस्ताद, अबे यार ये कहाँ चला गया यार, हैं? ये क्या है? अगर अपने उस्ताद की जिंदगी चाहते हो तो गुरु के अड्डे पर आ जाओ। बिजली, गुरु का अड्डा? शोर मत करो, कौन हो तुम? गुरु, ये राजा है। अच्छा तो ये राजा है। बिजली, उस्ताद कहाँ है? हाँ मैं भी ऐसे तड़पती हूँ जब तुम मेरी बहन से बात करते हो। बैठो बैठो, अभी तो हमने तुम्हारा दिल भी खुश करना है। काले खान, नीली जाओ, जरा छमिया को तो लाओ, जरा टिका के। आ गया राजा, देख क्या हशर कर दिया तेरे उस्ताद का इन लोगों ने। तुम फिकर नहीं करो उस्ताद, आज जो इनका हशर मैं करूंगा वो इनको ताक कयामत याद रहेगा। गरम खून है तेरा।
निकलती है, नहीं तो ये सारी की सारी गोलियां तेरे सीने में होती। लेकिन मैं ये गोलियां तुम पर जाया नहीं करूंगा, क्योंकि ये तेरी पहली गलती है। चले जाओ मेरी नजरों के सामने से, चले जाओ मेरी नजरों के सामने से। कोर्ट में नहीं होगी, राजा बारात लेके आएगा, तुम्हें ब्याह के ले जाएगा। बड़ी जल्दी लाएंगे दरवाजा, कहीं इसके पीछे कोई चक्कर तो नहीं है? उस्ताद, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो बड़ी जल्दी लाएंगे, ठीक है? फिर हम कब बारात लेकर आ जाए? ठीक है, आइंदा इतवार को बारात लेके आ जाना। तुम बहुत अच्छी हो बिजली। जाओ उस्ताद, शादी की तैयारियां करो। क्या कह रहा है? मेरी तेरी नहीं, इसकी और उसकी। अच्छा ठीक है, चलो शादी की तैयारियां कर लो। कम वक्त मारे यार, शादी में थोड़े दिन रह गए हैं और नोट भी नहीं है हमारे पास, कैसे होगी शादी यार? अरे राजा, जब तक तेरा उस्ताद जिंदा है तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पैसे हैं मेरे पास पूरे 25,000 रुपए। हाँ 25,000 रुपए? हाँ 25,000 रुपए जेब में लेके फिर रहे हो और मुझे 2 महीने से दाल और सब्जी खिला रहे हो? वे तो तेरे लिए जमा किए है। वाह भाई वाह, चलो ठीक है। यार उस्ताद एक बात है, 25,000 रुपए में ये शादी कहाँ से होगी? यार 25,000 में जितनी होगी कर लेंगे, बाकी का जब इंतजाम होगा देखी जाएगी। हाँ ठीक है, हैं? बाकी का उस्ताद, उस ईजड़ की बहन से एक ही दफा शादी करना पड़ेगी। मैं कर लूंगा बात यार, हो जाएगा बंदोबस्त, सब हो जाएगा। क्या बात है, मार ताली, जियो हजारों साल, जियो हजारों साल।
जागा तुम? हजारों साल, पल दो पल के मेहमान हो तुम लोग। पल दो पल के मेहमान राजा? अबे भाई तेरी हमारी क्या दुश्मनी है? तुम दोनों की सुपारी लिए मैंने और आज तुम दोनों का आखिरी दिन है। राजा अबे हमारी सुपारी इसने ली है और हम आपस में खामखा ही लड़ रहे हैं। हमारी सुपारी तूने ली? मैंने तो पहले ही कहा था मैंने तुम्हारी सुपारी नहीं ली भाई, फिर इसने कहाँ से ले ली? अबे इसी ने ली होगी, ये कमीज भी नहीं पहना हुआ है, खाली पतलून जगह रहा है। जितना हंसने हंस लो, आज आज तुम दोनों का आखिरी दिन है। साहब क्या आज आखिरी दिन है? आज 31 तारीख है क्या? महीने का आखिरी दिन है, कल पहली है क्या? अबे नहीं यार, आज तो 8 तारीख है। 8 तारीख? ये तो कह रहा आज आखिरी दिन है। ये तो मुझे ऐसे ही बावला दिखाई देता है वाला। अबे हाँ, इसको भी समझा दे 8 तारीख। अबे साहब इतना असला लेके फिर रहा है, ये नहीं क्या कैलेंडर ले ले। हाँ यार, कम से कम तारीख का तो पता चल जाएगा। हाँ यार बिल्कुल सही यार, राजा सही कह रहा है यार, कैलेंडर ले ले यार, कैलेंडर ले ले भाई। असला है तुम्हारे हाथ में, इसलिए इतनी बातें बना रहे हो। असला फेंक के देखो और हाथों में हाथ डाल के देखो, फिर पता चल जाएगा। तुम दोनों के लिए तो मेरे दोनों आदमी काफी है। अबे तेरे आदमी।
मैं कहाँ हूँ? आराम से बेटा, तुम्हारे जख्म भी ताजा हैं। आराम से। उस्ताद, उस्ताद कहाँ है? उस्ताद, मुझे अफसोस है कि तुम्हारा साथी अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसला रखो बेटा, उसला, उसला रखो। तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे भी मर जाने दिया होता। तुम्हें मैंने नहीं, अल्लाह की जात ने बचाया है। मैंने सिर्फ कोशिश की है। तुम ये बताओ, तुम पर हमला करने वाले कौन लोग थे? हम पर शाका ने हमला किया था। शाका? इसका मतलब है हम दोनों के दुश्मन ने किए। कुछ दिनों के बाद मेरी उसके साथ मीटिंग है। उसने मुझे अकेले बुलाया है, लेकिन मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। तब तक तुम्हारे जख्म भी बढ़ जाएंगे। जख्म तो मेरे जब भरेंगे, जब मैं शाका से इंतकाम ले लूंगा। तुम सब्र करो, बाकी सब लाला पे छोड़ दो। लाला? हाँ, मैं लाला। तुम तो खुद अंडरवर्ल्ड के आदमी हो। इसे तुम मेरी एक मजबूरी समझो। मिलकर इन मंशियात फरोशों को इस मुल्क से निकाल फेंकेंगे। निकाल आए लड़कियों, आए इधर तो आओ। हाय हाय आबा, आए खुशियां मनाओ, आए घी के चराग जलाओ। हाय अम्मा, ऐसी क्या बात हो गई? आए बिजली की बहन की शादी मेरे भाई शाका से होगी। हाँ हाँ, फिर तो बड़ा मजा आएगा। रानी और शाका की शादी में खूब नाचूंगी। नाच लेना, नाच लेना, मगर शादी में क्यों? अभी नाच, अभी लो। आए हाय, तुम लोग यहाँ खुशियाँ मना रहे हो, वहाँ मेरी बहन ने शादी से इनकार कर दिया है। तुम उसकी फिक्र मत करो, उसे तो मैं खुद राजी कर लूंगी। तुम लोग खुशियां मनाओ, नाचो गाओ, जाओ मेरी बच्चियों, जाओ। Bye-bye.
लाठ इनकार करो तुझसे कि मन से तेरे अरे चुप क्यों हो गई है बन्नो कोई फर्क ता सा गीत सुनाना ओ पल्ला हम तो कुछ कह भी नहीं सकते भाई 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 तन फड़के आए दिल धड़के तन फड़के दिल धड़के मैं गाती फिरूं तारा रू जुजू जुजू भाई 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 तन फड़के दिल धड़के मैं गाती फिरूं करता है क्यों आधार खतना हाय 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 करता है क्यों अबदार कठिना प्यार से कभी तो प्यार से कभी तो हाँ हाँ प्यार से कभी तो अबदार कठिना करता है क्यों अबदार कठिना करता है क्यों अबदार कठिना अरे ओ शहजादी बेगम अरे जरा ठुमका लगा जरा फुदक के जरा फिदक के ठुमका लगता नहीं हाँ हाँ दिलदार बिना ठुमका लगता नहीं दिलदार बिना कुछ जचता नहीं है यार बिना पायल या मत कर शोर पायल या मत कर शोर नहीं चलना तेरा जो हाय हाय अल्लाह जज रज के धमाला पामा जो बिछड़ा यार मिले कोई हम हार मिले कोई दिलदार मिले हकम का लगता नहीं दिलदार बिना कुछ दसता नहीं है यार बिना कर नहीं जाएगा लाला तो ठीक है लेकिन जब शाका मुझसे बातें कराओ तो तुम फायर नहीं करोगे ये पुतले में शुमार होगा और जब मुझसे बातें करके निकल जाए तो जो तुम्हारी मर्जी में आए वो करना ठीक है शाका
آج تم نے مجھے اکیلے کیوں بلایا ہے؟ تمہیں قتل کرنے کے لیے. لیکن کیوں؟ میری تمہارے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ آج سے چار سال پہلے تم نے مجھے جیل کروائی تھی. تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے مجھے.
तुम जिंदा हो? दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। गीदड़ की मौत आती है तो शेर की तरफ भागता है। आज तेरी मौत आई है हमारे डेरे पे। की मौत आई है इसका फैसला अब भी हो जाता है। राजा पिस्तौल लेकर आया है, शेर हो गया है, शेर हो गया है, तू शेर हो गया है। इस पिस्तौल को पकड़कर अगर तू भी शेर बन सकता है तो ले पकड़। इस हिजड़े की मौत पर तुझे बड़ा रोना आ रहा है, और जो तूने मेरे बेगुनाह उस्ताद को कत्ल करवाया इसका जिम्मेदार कौन है? तू समझता है उस्ताद के कत्ल में भूल जाऊंगा? मैं आज पिस्तौल से नहीं मारूंगा तुझे, मैं तुझे अपने हाथ से मारूंगा। मालूम नहीं है। सीधी तरह शाका का पता बता दे। मैं कहता हूँ मालूम नहीं है मुझे शाका। तेरा बताता है या तेरी खोपड़ी में सुराग करूँ? मुझे नहीं मालूम शाका का। लगता है तू इस तरह नहीं मानेगा। तेरा ये माल मैं लेके जा रहा हूँ, और अपने उस हरामखोर
शाका बदमाश से बोले ना कि तेरा ये माल राजा ले गया राजा, और अगर वो अपना माल वापस चाहता है तो सीवियों की बस्ती में आ जाए, ठीक है? उठ उठ, मैं कहता हूँ मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। चीन कर ले गया, कहता है कि माल चाहिए तो सीबीओ की बस्ती में आ जाना। राजा अब तू जिंदा नहीं बच सकता। उस्ताद भी मर गया, राजा भी मर गया, बिजली भी मर गई, अब इसकी बहन अब इसकी बहन पे मेरा कब्जा है, मेरी जान है वो। कौन हो? काले खान। काले खान? कौन काले खान? दुश्मन शाका को खत्म करने जा रहा हूं, और अगर मैं उसे मारने में कामयाब हो गया तो शायद मेरे उस्ताद की रूह मुझसे खुश हो जाए। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बाबा। शुक्र शुक्र। जी शाका भाई। शेरू, राजा ने मेरे भाई को मार दिया और उसके तमाम चेलों को मार दिया, अब राजा की मौत मेरे हाथों लिखी है। राजा इस वक्त कहाँ मिलेगा? पर सब मालूम हो जाएगा, तुम अपने साथियों को तैयार रखो, इस दफा राजा जिंदा बचना नहीं चाहिए। ऐसे ही होगा शाका भाई। Thank you.
उस वक्त बंदूक तेरे हाथ में थी, आज बंदूक मेरे हाथ में है। उस वक्त किस्मत तेरे साथ थी, आज किस्मत मेरे साथ है। उस वक्त वक्त तेरे साथ था, आज वक्त मेरे साथ है। लेकिन मैं तुझे बंदूक की गोली से नहीं मारूंगा, मैं तुझे कुत्ते की मात मारूंगा।